नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और मैं आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ टाटा की नई मार्को पोलो स्टार बस स्कूल का, जो है 51+1+1 सीट में। तो ये है 810/52 पे BS6 मॉडल डीजल में। तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे, आपको मैं इसकी सारी जो खूबियाँ हैं, इसका प्राइस, इसका स्पेसिफिकेशन, इसका माइलेज सब के बारे में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके बाहर का रिव्यू करेंगे। ये इसका टोटली नया लुक दिया टाटा मोटर्स ने मार्को पोलो का। जो पुराना लुक आता था इसका राउंड शेप में, उसको चेंज कर दिया है और इसको एक अलग ही नया शेप दे दिया है। ये देखिए, ये रियर का लुक है। टाटा मार्को पोलो की बेजिंग लगी हुई है रियर, आपको टेल लाइट्स और पार्किंग लाइट्स दिख रही होगी, कितनी सुंदर लग रही है। साथ ही में रियर पार्किंग सेंसर भी दिए हैं इस बार BS6 गाड़ी में। और ये ड्राइवर साइड का प्रोफाइल देखिए, इमरजेंसी एग्जिट, उसके साथ स्टेप भी दी गई है। और ये बाहर की ग्रिल है बाहर की तरफ, ताकि बच्चे सुरक्षित रहें अंदर, एकदम हाथ मुँह बाहर ही निकालें। और ये ड्राइवर का मेन डोर, सामने देखिए टाटा मोटर्स की जो बेजिंग आ रही है कितनी सुंदर लग रही है बम्पर के साथ में। और ये बड़ा सा विंडशील्ड दिया है और जो फाउंटेन टाइप इसमें इस बार इन्होंने बड़े बड़े वाइपर दिए हैं। नीचे शुरुआत करेंगे, टायर इसमें ट्यूबलेस रेडियल डाले हैं टाटा ने, जिसकी 2 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी आ रही है। और जो इसमें सस्पेंशन है वो पैराबोलिक लीव स्प्रिंग दी है एंटी रोल बार के साथ में। रियर में भी सेम है, एंटी रोल बार दिया है और पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग दिए हैं, ट्यूबलेस रेडियल टायर दिए हैं। और ये चेचिस जो है स्ट्रेट चेचिस दिया है, बिल्कुल बिल्कुल सीधा चेचिस है, छोटे बच्चों को चढ़ने के लिए एक्स्ट्रा स्टेप दी है जो बाहर आ जाती है। दोस्तों इसका जो मेन जो कंफर्ट है वो इसका सीट कंफर्ट है। इसमें जो 3x2 सीट्स दी गई है वो प्रॉपर 3x2 है, नाम के लिए 3x2 नहीं है। मतलब जो 3 वाली सीट 41 इंच है या 2 वाली सीट 32 इंच है, वो आपको प्रॉपर 3x2 सीट दी गई, चाहे बड़े बच्चे हों चाहे छोटे बच्चे हों, आराम से इस पर 3 वाले पे 3 बच्चे बैठेंगे और 2 वाली पे 2 बच्चे बैठेंगे। मतलब टोटल जो 51 सीट ये गाड़ी अगर आती है तो 51 सीट का कमिटमेंट ये पूरा करती है। नाम के लिए ये 51 सीट नहीं आती है, जबकि दूसरी कई कंपनियां जो नाम के लिए गाड़ियाँ बना रही है वो बिल्कुल छोटी छोटी सीटें लगा देती है, जिसपे आपके भले वो 51 सीट पासिंग है लेकिन बच्चे आपके 40 ही आते हैं। और इसकी चूंकि चौड़ाई टाटा ने अभी 2340 mm कर दी है 2200 से, तो इसकी गैलरी आप देख रहे हैं, सीटिंग इतनी चौड़ी चौड़ी है तब भी इसकी गैलरी कम नहीं हुई है, गाड़ी की गैलरी भी पूरी है जिससे बच्चे आराम से आ जा सकते हैं। फोम की डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी हार्ड फोम है, काफ़ी ड्यूरेबल है, बहुत लॉन्ग लाइफ चलता है। अगर आप दूसरी कंपनी की सीट चेक करेंगे तो काफ़ी इसके मुकाबले बहुत कमज़ोर सीट होती है, ज़्यादा नहीं चलती है। और लेग रूम की हम बात करते हैं तो फुल लेग रूम इसके अंदर दिया गया है। फ्लोर इसका एंटी स्किड विनाइल है और हर सीट के नीचे सीट बैग रैक रखने की जगह इन्होंने दी है, और ऊपर भी इन्होंने सीट बैग रखने की दोनों तरफ जगह दी है। बाकी हेड रैक है, बीच में बच्चा आराम से पकड़े खड़े हो सकते हैं। और जो लाइट्स है उसको बहुत स्टाइलिश LED लाइट लगाई गई है, जो कि लॉन्ग लाइफ है और ड्यूरेबल है। केबिन पोर्शन को इन्होंने फ्री रखा है, कंडक्टर की सीट और ड्राइवर की सीट बिल्कुल सेपरेट है, और इस तरह से इसको कवर किया गया है ताकि ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करे कोई। और अगर हम फ्रंट से बात करते हैं इसकी, जो ड्राइवर जो देख पा रहा है, तो आप देख रहे हैं इसको बिल्कुल पास तक की भी दिख रहा है नीचे का पूरा, क्योंकि इसके डैशबोर्ड को टाटा मोटर्स ने नीचे किया है। ये देखें, ड्राइवर ऊपर से बैठ के देखता है, उसको एक छोटा सा जानवर भी हो तो दिख जाएगा गाड़ी के सामने से आता हुआ।
चढ़िए। गाड़ी स्टार्ट करनी है? नहीं नहीं आप चढ़िए। ये ड्राइवर के चढ़ने का देखिए कितना कंफर्टेबल, आराम से ड्राइवर चढ़ जाता है। और ये ड्राइवर की सीट जो है टाटा मोटर्स ने पहली बार पेनीमेटिक सीट दी गई है, जो कि एयर सस्पेंशन वाली सीट आती है। ड्राइवर अपने वजन के ऊपर इस सीट को सेट कर सकता है, जो उसको उसका वजन है उसके हिसाब से इसको सेट कर सकता है, और इस सीट को वो आगे पीछे और उसके हिसाब से आगे और पीछे पूरी सेट कर सकता है। जितना उसको लेग रूम चाहिए उतना वो दे सकता है। साथ ही में इसको चाहे जितना वो रेस्ट का अगर करना हो तो इस सीट को पूरी खोल के वो लेट भी सकता है। ये इतनी प्यारी सीट दी गई है। साथ ही जो स्टीयरिंग दिया गया है वो टिल्टेबल है, ड्राइवर को अपने हिसाब से जो स्टीयरिंग चाहिए आगे पीछे वो इसको पूरी सेट कर सकता है। तो ये कितना अच्छा इसमें टाटा मोटर सिस्टम किया है। साथ ही हम देखेंगे बैटरी कटआउट, पार्किंग लाइट के कटआउट या हेडलाइट के स्विच हो, ये सब कुछ इन्होंने राइट हैंड पे दिए ताकि ड्राइवर आराम से इसको अपने सीधे हाथ से कंट्रोल कर सके। इसके साथ ही जो एक्सीलेटर पेडल था जो पहले कोने में आता था, अब इसको टाटा ने फ्लोर माउंटेड करके इसको बिल्कुल जो ब्रेक के पास में कर दिया, ताकि वो आराम से इस गाड़ी को ड्राइवर कंट्रोल कर पाता है। और ये बहुत ही इसको स्मूथ कर दिया है। अब ये जो इसका पहले जो लगाने में प्रेशर लगता था उससे कम ताकत में अभी एक्सीलेटर वो यूज़ कर पाता है, जिसके कारण उसको थकान नहीं होती और दिन भर आराम से गाड़ी चला पाता है। हैंड ब्रेक भी इस पे राइट साइड पे दिया गया है, ताकि ड्राइवर आराम से हैंड ब्रेक लगा सकता है जब भी गाड़ी खड़े करे तब। इसके लिए ड्राइवर के लिए इन्होंने वाटर बॉटल का होल्डर और उसका छोटा मोटा सामान रखने के लिए दरवाजे में पॉकेट दी है। ये देखिए गाड़ी की जो सबसे बड़ी खासियत है वो इसका मीटर है, डिजिटल सिस्टम है पूरा, जो कि आज नए ज़माने के हिसाब से दिया गया है। ये देखिए गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मीटर में डिस्प्ले में लिखा हुआ जाता है एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितनी आ रही है। जैसे अभी 6.3 की ये गाड़ी माइलेज दे रही है तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है। टाइमिंग हो गया, बैटरी हो गई, ट्रिप मीटर हो गया, ऑडोमीटर हो गया, सब कुछ इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ड्राइवर को डिस्प्ले हो जाता है। और अगर गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे अभी ये इसमें एक प्रॉब्लम डिटेक्ट हो रही है, लाइट आ रही जा रही है, तो ये सब कुछ गाड़ी सेल्फ बताती है, जिससे आप खुद ही इसको एक बार चेक कर सकते हैं गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। साथ ही में गियर शिफ्ट इंडिकेटर इसमें दे रखे हैं, जो ऊपर नीचे एरो आपको जाते हुए दिख रहे हैं, कौन से गियर पे गाड़ी चलानी है ये गाड़ी खुद आपको बताती है। आप उसके हिसाब से अपनी, ये देखिए ग्रीन कलर के जो ऊपर नीचे एरो आ रहे हैं, इससे आप खुद ही डिज़ाइन कर सकते हैं कि मुझे गाड़ी कौन से मोड गियर पे चलानी है। इसमें ड्राइविंग के लिए दो मोड दिए गए हैं, लाइट मोड और हीवी मोड। जब आपकी गाड़ी में आप फुल लोड लेके अगर चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो आप हेवी मोड पे चलाइए गाड़ी, और अगर आप प्लेन रोड पे गाड़ी लेके चल रहे हैं तो आप लाइट मोड पे गाड़ी डाल दीजिए, इससे आपकी फ्यूल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। गियर इसमें इन्होंने केबल शिफ्ट दिया है G400 का, और इंजन टाटा का 4 CR वाला 100 हॉर्स पावर का इंजन इसमें दिया गया है। ये 100 हॉर्स पावर का इंजन है। इसके ऊपर स्कूल के अंदर 5 साल या 5 लाख किलोमीटर की वारंटी टाटा मोटर्स प्रोवाइड कर रही है। फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम इस गाड़ी में लगा हुआ है, इस तरह से जो इंजन के ऊपर लगा हुआ है, अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी में आग लग जाती है तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक सेंसर चालू हो जाता है और गाड़ी में आग। इसीलिए तो आपने देखा कि गाड़ी किस तरह से टाटा मोटर्स ने बनाई है। अभी हमने देखा ये गाड़ी 6 के आसपास का माइलेज आ रहा है, 6.5 से 6.5 का माइलेज आता है इस गाड़ी का। इसकी कीमत एक शोरूम करीबन 28.5 लाख रुपए की है। डिस्काउंट अलग अलग सिटी में इसका अलग अलग हो सकता है, इंश्योरेंस RTO भी अलग अलग हो सकता है। टाटा मोटर्स गाड़ी पे 4 साल या 4 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड और 5 साल 5 लाख किलोमीटर की स्कूल की वारंटी दे रहा है। टायर पर 2 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आ रही है। बॉडी पर इस पर 3 साल या 3 लाख किलोमीटर की वारंटी आ रही है। तो ये है टाटा मोटर्स की नई मार्को पोलो स्टार बस। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।